में बनाने वाली हूँ शक्कर पारे। ये शक्कर पारे बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में और इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है। मैं जिस तरीके से बताऊंगी अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही खस्ता बनेंगे, एकदम हलवाई जैसे, और काफी दिनों तक चलेंगे। आप इसे अच्छे से स्टोर करके रखिए तो ये महीनों चलते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये आप कोई भी एक कटोरी सेट कर लीजिए, देखिए जैसे घर में होती है, सारी मेजरमेंट आप उसी से करिए तो आपके शक्कर पारे एकदम बढ़िया बनेंगे। तो मैंने ये इस कटोरी से ही, कि मैंने 4 कटोरी मैदा ले लिया है, जितना मैंने मैदा लिया है उतनी ही मैंने चीनी ले ली है चाशनी के लिए, और जितनी चीनी ली है बिल्कुल उसका आधा मैं पानी ले लूंगी। इसके लिए मैंने ये आधा कप घी ले लिया है और ये आधा चम्मच इलायची पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। अब इस डो को लगाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा इसे ऐसे कर लें और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ये नमक डाल दें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और साथ में ये घी, और इसे अच्छा सा इसका डो लगा लें। देखिए आटा और घी अच्छे से मिक्स हो गया है, आटा जुड़ने लगा है, देखिए बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। ये जितना अच्छा डो बनेगा आपके शक्कर पारे उतने ही बढ़िया बनेंगे। बस अब इसमें गरम पानी डालें और इसको एक अच्छा सा डो तैयार कर लें। थोड़ा थोड़ा गरम पानी डालते जाएं, एक बार में सारा पानी ना डालें नहीं तो डो गीला हो जाएगा। देखिए मैंने डो लगा लिया है, ये ना ज्यादा सख्त है ना ज्यादा गीला है। बस अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। देखिए डो को रखिए, 10 मिनट हो गए हैं, ये कितना सॉफ्ट हो गया है। ये बस ऐसे ही से अच्छे से मसल मसल के और सॉफ्ट कर लें और अब बहुत अच्छा डो तैयार होगा। जितना अच्छा डो बनेगा शक्कर पारे उतने ही अच्छे बनेंगे। देखिए मुझे डो को मसलते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये बहुत अच्छा तैयार हुआ है। देखिए बस अब हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। चलिए अब इसको अलग करके इसकी छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। देखिए इसमें से अब मैं एक पेड़ा ले रही हूँ, अब बस इसको बेल लेते हैं कि बचा बचा जो डो है इसे आप ढककर रख दीजिए, अगर ये खुला रहेगा तो सूख जाएगा, फिर आपको बनाने में परेशानी होगी। बस अब इस पेड़े की हम एक थोड़ी सी मोटी रोटी बनाते हैं। देखिए मैंने रोटी बेल ली है, रोटी ना ज्यादा मोटी है ना ज्यादा पतली है, अभी जब ये फ्राई होंगे तो फिर ये और फूलेंगे, इसलिए ज्यादा मोटा ना रखें। तो बस अब इसे काट लेते हैं। काटना आप चाकू से चाहें तो चाकू से काट सकते हैं, मैं पिज्जा कटर से काट रही हूँ, इससे काटने में आसानी होती है और जल्दी भी कट जाता है। बाकी ये जो छोटा पीस बचा है ये फिर अगले में काम आ जाएगा। देखिए मैंने काट लिए हैं सब शक्कर वाले, कितने अच्छे एक बराबर दिख रहे हैं, देखिए इनका साइज। अभी ये फ्राई होने के बाद फूलेंगे, तो चलिए अब इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। देखिए कढ़ाई में तेल बिल्कुल हल्का सा गर्म कर लें, बिल्कुल तेज नहीं करना है। अब ये डालते जाएं, अब ये थोड़ी देर में अपने आप ऊपर आने लग जाएंगे। आपको देख के पता चल रहा होगा तेल गरम नहीं है ज्यादा। अब ज्यादा तेज आंच पे बनाएंगे तो फिर जो शक्कर पारे हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेंगे, इसलिए इन्हें अपने आप ऊपर आने दीजिए। देखिए शक्कर पारे थोड़े से ऊपर आने लगे हैं, अब तक मैंने इन्हें एक बार भी नहीं चलाया है, तो इसी तरह सब ऊपर आ जाएंगे। देखिए शक्कर पारे हो गए हैं गोल्डन ब्राउन, बस अब इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए सारे शक्कर पारे बनकर तैयार हैं, अब इनके लिए चाशनी बनाना शुरू करते हैं। अब एक बड़ी कढ़ाई ले लें, उसमें ये सारी चीनी डाल दें
और चीनी के साथ ये थोड़ा सा पानी, जितना बताया था मैंने उतना ही पानी है ये। बस अब चीनी की एक तार की चाशनी बनने देते हैं। देखिए चीनी घुल गई है, इसको लगातार चलाते रहें नहीं तो चीनी जल जाएगी। देखिए चाशनी में कितना अच्छा उबाल आ गया है, लेकिन अभी ये एक तार की नहीं हुए इसे, इसलिए थोड़ी देर और पकने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी एक तार की चाशनी। देखिए चाशनी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, काफ़ी अच्छा बॉयल हो चुका है इसमें। अब ये इलायची पाउडर इसमें डाल दें, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। अब साथ साथ चाशनी भी चेक कर लेते हैं। देखिए बस एक तार की अभी हुई नहीं है, थोड़ी देर में हो जाएगी, तब तक हम इसे और पकने देते हैं। देखिए अब चाशनी को चेक कर लेते हैं। देखिए ये एक तार की हो गई है, बस अब ये बिल्कुल सही टाइम है, अब इसमें डाल देते हैं हम ये इसको, साथ साथ चलाते रहना है। देखिए चाशनी सूखने लगी है और जो पारे हैं वो कितने अच्छे शाइनी हो गए हैं, बस थोड़ी देर और लगेगी, एकदम शुगर कोटेड हो जाएंगे। देखिए चाशनी पूरी तरह सूख गई है, अब जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे दिखेंगे। बस गैस बंद कर दीजिए। देखिए शक्करपारे बनकर तैयार हैं, लग रहे हैं ना एकदम मार्केट जैसे। तो फिर बनाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे को अपने कमेंट्स ज़रूर दें।